लोकसभा चुनाव के बीच आगरा में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटी के रेड में जूता कारोबारियों के ठिकाने से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आगरा में इनकम टैक्स में हेराफेरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अचानक आयकर विभाग की टीम 3 जूता कारोबारियों के घर और ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें एक जूता व्यापारी के घर और ठिकानों से बड़ी मात्रा 500 के नोटों का बंडल बरामद हुआ। आगरा में इनकम टैक्स की ये छापेमारी बीके शूज, मंशू फुटवेयर और हरमिलाप शूज कंपनी के ठिकानों पर चली, जिसमें हरमिलाप शूज कंपनी के मालिक रामनाथ डंग के घर और ठिकानों से बेहिसाब संपत्ति मिली है। छापेमारी के दौरान 500 के नोट वाले बंडल को देखकर आईटी के अधिकारी भी हैरान रह गए। फिलहाल हरमिलाप शूज कंपनी के ठिकानों से 40 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। कैश गिनने के लिए अधिकारियों को रात में ही नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। जूता कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम शनिवार दोपहर से ही छापेमारी कर रही थी। जिस समय आयकर विभाग की टीम दुकान में पहुंची, उस समय वहां कुछ ग्राहक भी मौजूद थे। आईटी की टीम ने पहले दुकान से सभी ग्राहकों को बाहर किया और फिर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। पूछताछ के बाद हरमिलाप शूज कंपनी के मालिक के घर और ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिसमें जमीन में निवेश और सोने की खरीद के दस्तावेज मिले हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं आईटी विभाग की ओर से बरामद किए गए कैश में सिर्फ 500 रुपए के नोट ही नजर आ रहे हैं। कमरे में हर तरफ 500 के नोटों का बंडल नजर आ रहा है। आगरा में जूता व्यापारियों की यहां इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।